बुधवार को जींद जिले के 21 गांव में जाटों के धरने पर पहुंचे यशपाल मलिक ने धरने को स्थगित करने की घोषणा करते हुए कहा कि वीरवार से धरने पर केवल अखिल भारतीय संघर्ष समिति कार्यकारिणी के सदस्य ही बैठेंगे, बाकी जनता को अब नहीं आना है। 21 गांव में पहुंची भारी भीड़ को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए यशपाल मलिक ने फतेहाबाद में पुलिस और जाटों के बीच हुए टकराव पर वहाँ के SP और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का नाम लिए बगैर हमला करते हुए कहा कि वे नहीं चाहते थे कि समझौता ना हो, क्योंकि बराला की निगाह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिकी हुई है। सरकार के साथ हुए समझौते पर बोलते हुए यशपाल मलिक ने कहा कि यह समझौता बहुत जरूरी था और जाटों को पूरा मान सम्मान देकर समझौता किया गया है। जींद से जाट टीवी न्यूज के लिए ऋषि महिंद्रता की रिपोर्ट। कुछ लोगों की इस प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बनने की इच्छा होगी, वो चाहते थे कि उधर चीफ मिनिस्टर बात करेगा, इधर हरियाणा में दंगे भड़क जाए, कि यह समझौता होना जरूरी था और ये सही समय पे सही समझौता हुआ और जाट के मान सम्मान के साथ ये समझौता है, इस पर कोई धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।